पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि आप लोगों को मालूम होगा कल सर्किट हाउस में गया शहर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अधिवक्ता भी हैं, उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया है प्रेस के माध्यम से, जिसमें कहा गया कि गया शहर स्थित करीमगंज में गया के शांतिबाग स्थित लोकप्रिय समता पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन पार्टी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष धीरू शर्मा ने किया। प्रेस को संबोधित करते हुए धीरू शर्मा ने कहा कि भाजपा नेता मुकेश शर्मा के द्वारा मुसलमानों पर जो आपत्तिजनक बयान दिया गया है उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता ने बयान में कहा कि करीमगंज में रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान को करीमगंज में बसाया गया है। उन्हें घर से निकलने में डर लगता है कि कहीं मुसलमान उनको 6 इंच छोटा ना कर दे। इस तरह के बयानबाजी से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। आपसी भाईचारे को हिंदू मुसलमान का रंग देना अच्छी बात नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। धीरू शर्मा ने कहा कि करीमगंज स्थित सेवा नगर में मेरा जन्म हुआ है और मैं गया हाई स्कूल में पढ़ा हूँ और पला बड़ा हूँ। आज भी मेरा व्यवसायिक कार्यालय क्रेन स्कूल के पास है। हमें तो आज तक कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ के मुसलमानों से नहीं हुई। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह है कि आप लोगों को मालूम होगा कल सर्किट हाउस में गया शहर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अधिवक्ता भी हैं, उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया है प्रेस के माध्यम से, जिसमें कहा गया कि गया शहर स्थित करीमगंज में रोहिंग्या मुसलमान निवास करते हैं। आज प्रेस के माध्यम से मैं उस बयान का कड़ी निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं, और मैं धीरेन्द्र कुमार और धीरू शर्मा प्रेस के माध्यम से अपने बड़े भाई मुकेश कुमार सिंह से अनुरोध भी करता हूं कि अगर रोहिंग्या मुसलमान है तो मैं करीमगंज, न्यू करीमगंज और अलीगंज, जो मुस्लिम की बहुलता में लोग निवास करते हैं, वहां मैं एक एक गली घुमा दूंगा और उन्हें बताऊंगा कि यहां चिन्हित कीजिए आप कि रोहिंग्या मुसलमान कहां रहता है। मैं प्रेस के माध्यम से आपको बता दूं कि इसी करीमगंज में सेवा नगर स्थित है जहां मेरी जन्म हुई है और मैं 50 बसंत अपना पार कर चुका हूं, और इसी करीमगंज में रहते हुए भाईचारा में रहते हुए मैं जीवन अपना निर्वहन कर रहा हूं। आज भी मेरा व्यवसायिक कार्यालय करीमगंज में ही है। ऐसे परिस्थिति में इस तरह का बयान देकर गया शहर को जो दूषित करने का काम कर रहे हैं, समाज में जो भाईचारा में कटुता लाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम लोग इस प्रकार से कड़ी निंदा करते हुए भर्त्सना करते हैं और उनको आगाह करते हैं कि आप इस तरह का बयान न दें। साथ ही वो एक ऐसे समाज में जन्म लिए हैं, भूमिहार ब्राह्मण समाज में, उसी समाज में मैं भी जन्म लिया हूं और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भूमिहार समाज के लोग मुसलमानों से अच्छा संबंध रखते हैं, और हमारे राजनीतिक गुरु भी जो भूमिहार समाज के हैं वो हमेशा हिदायत देते हैं कि कभी भी ऐसा बयानबाजी न करें जिससे कि मुसलमान का अहित हो या समाज में कोई उस तरह का भेदभाव पैदा हो। और मुकेश बाबू और जो भी लोग वहां उपस्थित थे उनसे एक बार मेरा यह अनुरोध होगा कि पुनः प्रेस के माध्यम से अपने बात को वापस लें, अन्यथा मैं हमेशा और मेरे बड़े भाई के तौर पर है, लेकिन आज के बाद से मैं उनको घृणा की दृष्टि से देखूंगा कि वो समाज में गलत मैसेज देने वाले लोग में उनको मैं आज शामिल कर रहा हूं। एक और कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो बहुत सी बात कर रिटायरमेंट है और वो करीमगंज स्थित क्रेन स्कूल से 2 बांस के दूरी पर मुकेश बाबू का घर है, वो बताए कि आज तक जब से मकान, बहुत पुराना मकान उनका है, जब से मकान बनाया है तब से कभी कोई मुसलमान उनके साथ छेड़छाड़ किया है, कभी कोई रोड जाम हुआ है, कभी कुछ और घटना घटी है जिससे यह प्रतीत हो कि यहां रोहिंग्या मुसलमान रहता है। और मैं बता दूं
कि मनमोहन जी के खिलाफ में करीमगंज में यूथ फोरम ने उस वार्ड में अपना प्रचार प्रसार भी किया था आसिफ जी के पक्ष में, और मुझे तो पूरे एक एक गली में घुमा हूं। और मैं आपको बता दूं कि यूथ फोरम बसा है मेरे आंखों के सामने। मैं आपको अभी बताया कि मैं जन्म कहां लिया हूं और इसी गया हाई स्कूल में पढ़ा हूं, जब गया हाई स्कूल आपके अंडर कोठी में हुआ करती थी। तो हमें तो आज तक कोई रोहिंग्या मुसलमान नजर नहीं आया है, अगर उनको नजर आ गया है तो हम पुनः उनको पूरा करीमगंज, पूरा अलीगंज और पूरा न्यू करीमगंज घुमा देंगे, लाल किनारे से लेकर रोड तक उनके घर तक। अगर रोहिंग्या मुसलमानों चिन्हित कर देंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा। और इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भी अगर पूरे करीमगंज, अलीगंज और न्यू करीमगंज घूमने के बाद उनको कोई एक शब्द भी बोलेगा, इसका ही मैं जिम्मा लेता हूँ। आशीष कुमार की रिपोर्ट।